नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 2 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। तेल गैस कंपनियों ने आज लिक्विड पेट्रोलियम गैस की कीमतों में कमी की है। इसके कारण आज से श्रीगंगानगर में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर 171.50 रुपए कम हो गए। कंपनियों ने घरेलू उपभोक्ताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं दी है। घरेलू उपयोग का 14.5 किलोग्राम वाला रसोई गैस का सिलेंडर पहले की तरह 1136 रुपए में ही मिलेगा। तेल गैस कंपनियों से मिली जानकारी के मुताबिक श्रीगंगानगर में कमर्शियल उपयोग का 19 किलोग्राम वाला गैस सिलेंडर जो कल तक 2122 रुपए में बाजार में मिलता था, जो आज से कम होकर अब 1950.50 रुपए में मिलेगा। इससे पहले अप्रैल में भी कंपनियों ने कमर्शियल उपयोग के सिलेंडर पर 87 रुपए घटाए थे। कंपनियों ने घरेलू उपयोग के सिलेंडर के दाम स्थिर रखे हैं। ये बाजार में आज भी पहले की दर 1136 रुपए में ही मिल रहा है। जयपुर में परिचित युवक के युवती से रेप करने का मामला सामने आया है। नाश्ते के बहाने रेस्टोरेंट में ले जाकर उसको नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में रेप कर न्यूड वीडियो बना लिया। मालवीय नगर थाने में मुरादाबाद यूपी निवासी 20 साल की युवती ने दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह मालवीय नगर स्थित एक हॉस्टल में रहकर बुजुर्गों की देखरेख का काम करती है। 28 मार्च को दूसरे हेल्थ केयर संचालक मनोज कुमार शर्मा ने उसे बुजुर्ग महिला की देखरेख के लिए श्याम नगर भेजा। 2 अप्रैल के दोपहर आरोपी परिचित मनोज उसे लेने आया। बाइक से हॉस्टल छोड़ने के दौरान वह उसे अंजलि रेस्टोरेंट में ले गया। वह नशीला पेय पिलाकर बेहोशी की हालत में आरोपी ने उसके साथ 2 बार दुष्कर्म किया और न्यूड वीडियो भी बना लिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल कर मिलने बुलाकर दोबारा रेप किया। लगातार धमकियों से परेशान युवती थाने पहुंची और मामला दर्ज करवाया। हनुमानगढ़ स्थित गोगा मेड़ी मंदिर में माथा टेकने आ रहे 5 दोस्तों की सड़क हादसे में मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए। मोड़ पर अनियंत्रित होने से इनकी कारें सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। हादसे में मरने वाले और घायल हरियाणा के कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं। हादसा भिरानी थाना क्षेत्र में हुआ। SI रामकरण ने बताया कि 2 कारों में 10 दोस्त हरियाणा से हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में माथा टेकने आ रहे थे। हरियाणा से राजस्थान में प्रवेश करने के बाद छांसल गांव के पास जैसे ही मोड़ आया, कारें अनियंत्रित हो गई और सड़क किनारे बने गड्ढे में जा गिरी। मृतकों की पहचान चतर सिंह उर्फ सोनू सैनी निवासी गंदापुर हरियाणा, विकास उर्फ विक्की जाट निवासी जीवरेड़ी हरियाणा, सचिन निवासी घनघोरी हरियाणा, राजन घनघोरी और नरेंद्र सिंह निवासी लाडवा हरियाणा के रूप में हुई है। चूरू जिले के सुजानगढ़ में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के गैंगस्टर रोहित गुदारा ने ज्वेलर को जान से मारने की धमकी दी है। उसने बकायदा डेट भी तय कर दी है। 3 मई की तारीख इसके लिए उसने मुकर्रर की है। इसको देखते हुए पुलिस ने ज्वेलर की सिक्योरिटी बढ़ा दी है। JDJ ज्वेलर्स पर हुई फायरिंग के 3 दिन बाद ही शनिवार को ज्वेलर पवन सोनी को जान से मारने की धमकी मिली है। JDJ ज्वेलर्स शॉप भी पवन की ही है। पवन सोनी के पास अनजान नंबर से फोन आया। पवन सोनी ने फोन उठाया, सामने से जो आवाज आई वो रोहित गुदारा की थी। रोहित बेखौफ होकर बोल रहा था। उसने कहा, सुन, दूसरे मोबाइल से फोन रिकॉर्ड भी कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता है। गुदारा ने कहा, जो जो करना है वो सब कर ले, मेरे 10-20 आदमी भी खत्म हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे पास खूब टीम है, अगर मेरे 15-20 आदमी भी पुलिस फोर्स सलटा देंगी तो मेरे पास आदमियों की कमी नहीं है। मैं इन चीजों की परवाह भी नहीं करता, तो पुलिस की पूरी फौज खड़ी कर लेना, लेकिन रोहित गुदारा क्या है उसके परिणाम जरूर दिखाऊंगा। वहीं पुलिस ने सुरक्षा और बढ़ा दी है। उदयपुर शहर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने एक मकान मालिक की घिनौनी हरकत के कारण उसे गिरफ्तार किया है। दरअसल आरोपी एक फ्लैट को बाहर से आकर पढ़ने वाली लड़कियों को किराए पर देता था, लेकिन मेंटेनेंस के नाम पर फ्लैट को खाली करवा लेता था। इस दौरान आरोपी बड़े ही शातिराना तरीके से लड़कियों के कमरे में स्पाई कैमरा लगा देता था और उसे मोबाइल को लिंक कर कमरे की हर गतिविधि को देखता था। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। DSP शिप्रा राजावत ने बताया कि जांच में सामने आया कि आरोपी फ्लैट में शॉर्ट सर्किट होने के बहाने युवतियों से फ्लैट खाली करवाता था, उसके बाद उनके बेडरूम और बाथरूम में स्पाई कैमरा लगा देता था। पुलिस जैसे ही फ्लैट में पहुंची तो उसे कैमरे लगे हुए मिले। राजधानी जयपुर में MMT मॉडल्स इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ओर से श्यामनगर स्थित होटल द फर्न हैबिटेट में नेशनल लेवल ब्यूटी पेजेंट मिस्टर मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया सीजन 3 का आयोजन किया गया। इस दौरान देश के विभिन्न शहरों से चयनित
बचाव से फाइनलिस्ट ने रैंप पर अपनी अदाओं के जलवे बिखेर कर ताज के लिए अपनी दावेदारी पेश की। चार राउंड में हुए फैशन वॉक में मॉडल्स ने इंडियन ट्रेडिशनल, ब्राइडल, कॉकटेल और इवनिंग गाउन आदि ड्रेसेस शोकेश की। मिस्टर, मिस एंड मिसेस टॉप मॉडल इंडिया सीजन 3 की मिस्टर कैटेगरी में वरदान शर्मा, मिस कैटेगरी में जयपुर की तान्या सिंह और मिसेस कैटेगरी में अरुणाचल प्रदेश की मिलोआ कुरी कागो ने प्रथम स्थान प्राप्त कर ताज अपने नाम किया। नाबालिग छात्रा से रेप करने वाले आसाराम को जोधपुर हाईकोर्ट से जमानत मिली है। यह जमानत आसाराम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में फर्जी दस्तावेज पेश करने के मामले में मिली है। आसाराम दुष्कर्म के मामले में सजा आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, इसीलिए वह जमानत के बाद भी जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जस्टिस कुलदीप माथुर ने इस मामले में सुनवाई करते हुए जमानत के आदेश दिए। अधिवक्ता नीलकमल बोहरा व गोकलेश बोहरा ने आसाराम का पक्ष रखा था। बता दें कि वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में आसाराम की ओर से जोधपुर सेंट्रल जेल की डिस्पेंसरी का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया था, जिसमें आसाराम की कई गंभीर बीमारियों का जिक्र था। सर्टिफिकेट की सुप्रीम कोर्ट ने जांच करवाई तो मामला फर्जी निकला था। राजधानी जयपुर समेत प्रदेश भर में बारिश की गतिविधियां देखने को मिल रही हैं। बारिश होने से तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई। लोगों को गर्मी से राहत मिल रही है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। जयपुर मौसम केंद्र के निदेशक राधेश्याम शर्मा के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश भागों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने 24 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। अजमेर, अलवर, भरतपुर, भीलवाड़ा, बूंदी, चित्तौड़गढ़, दौसा, धौलपुर, झुंझुनू, जयपुर, करौली, कोटा, राजसमंद, सवाईमाधोपुर, सीकर, टोंक, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, जैसलमेर, जोधपुर, नागौर, पाली और श्रीगंगानगर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। पंजाब के फिरोजपुर जिले में सड़क हादसे में दो युवकों की मौत हो गई। पुलिस ने मृतक राहुल के पिता की शिकायत पर तेल टैंकर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। पुलिस को सूचना देते हुए मृतक 23 वर्षीय हलूक के पिता पत्रश निवासी मक्खू ने बताया कि उनका बेटा हलूक अपने 25 वर्षीय दोस्त बाज निवासी जग्गोवाला के साथ बाइक से खाना खाकर घर से गेहूं के लोड ट्रक खाली कराने मंडी के लिए निकला था। दोनों मल्लावास मोड़ के पास पहुंचे थे कि पीछे से आए तेज रफ्तार तेल के टैंकर ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में दोनों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। मक्खू थाना पुलिस ने तेल टैंकर के अज्ञात ड्राइवर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार के जवाब के इंतजार में सहकारी बैंकों में प्रस्तावित 559 पदों की भर्तियां अटकी हुई हैं। भर्ती प्रक्रिया के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट में परीक्षा शुल्क से अभ्यर्थियों को राहत की घोषणा की थी। सहकारी विभाग ने सरकार से पूछा है कि इस घोषणा की पालना की जानी है या नहीं। यह भी कह दिया कि शुल्क में माफी की स्थिति में परीक्षा खर्च कौन वहन करेगा। इसी सवाल के जवाब के इंतजार में ये भर्तियां अटकी हुई हैं। केंद्रीय सहकारी बैंकों के लिए भर्ती की प्रक्रिया गत वर्ष शुरू की गई है। इन बैंकों में प्रबंधन, बैंकिंग सहायक, कंप्यूटर प्रोग्रामर के 559 पदों पर भर्ती होनी है। इसीलिए सहकारी विभाग ने सितंबर 2022 में सहकारी भर्ती बोर्ड की अभ्यर्थना भेज दी। इसके बाद प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा रही है। इसी बीच बजट में मुख्यमंत्री ने घोषणा कर दी कि अभ्यर्थियों को परीक्षा में बार बार शुल्क नहीं देना पड़ेगा। सरेरा महिलाओं से बैग व पर्स की छीना झपटी करने वालों की धरपकड़ शुरू हो गई है। बीकानेर जिले की नयाशहर पुलिस ने बिलाल नामक युवक को गिरफ्तार किया है। 29 अप्रैल को दुर्गा शेखावत ने मामला दर्ज करवाया कि वो और उसकी मां ब्रह्मा कवर बाजार से सामान लेने गई थी। सामान लेने के बाद रामपुरा बस्ती के लालगढ़ रेलवे स्टेशन के सामने डूडी मिष्ठान भंडार के पास स्थित एटीएम से 20,000 रुपए निकाले। ब्रह्मा कवर ने अपने काले रंग के लेडीज हैंडबैग में रुपए रख लिए। पर्स में पहले से ही 3,000 रुपए और रखे थे। जब हम घर जाने के लिए अपनी स्कूटी पर बैठे तो एक लड़का बाइक पर आया, देखते देखते ब्रह्मा कवर के हाथ से पर्स छीनकर भाग गया। रामपुरा बस्ती की गलियों में बाइक से भाग गया जो पकड़ में नहीं आया। सीसीटीवी फुटेज व पुराने रिकॉर्ड के आधार पर पुलिस ने छानबीन कर बिलाल को गिरफ्तार कर लिया।